हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का ठेचा या हरी मिर्च की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और झटपट से बन जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्म करेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे हम। ऑयल हल्का गर्म होगा तभी हम इसमें जीरा डाल देंगे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। इन्हें 1 सेकेंड भूनेंगे। इसी के साथ ही हम हरी मिर्च डालेंगे, जिन्हें हमने टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 1 कटोरी जितनी, 100 ग्राम जितनी होगी ये चटनी। अब अपने हिसाब से बना लें, आपको जितनी बनानी हो रिक्वायरमेंट के अनुसार। इन्हें हल्का सा हम सेकेंगे। अब इसी के साथ हम लहसुन डालेंगे। लहसुन भी 1 गट्टा पूरा मैंने छील ली हूँ। पूरी सारी लहसुन है, 20 से 25 कलियाँ होंगी। इसे भी हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसी के साथ 1/4 कप 2 टेबल स्पून होगी मूँगफली भुनी हुई है, ये डालेंगे। इस तरीके से हरी मिर्च का खींचा आप बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी के साथ आप रोटी खा लेंगे। रोटी पराठा जिसके साथ भी आप खाना पसंद करेंगे, ये बहुत टेस्टी होता है। स्वाद अनुसार नमक। ये मिर्च और लहसुन सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये मिर्च हमारी ठंडी हो गई है, अब इसे हम एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। ये सारी मिर्च मसाले को हमने एक जार में निकाल लिए हैं। अब इसी के साथ ही हम 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इस तरीके से हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये हमारी मिर्ची की बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार है। हरी मिर्च की चटनी बनकर तैयार है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे